बहुत ध्यान देने योग्य स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ज़रूरी बातें। फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। नंबर 1, दिन में 2 बार 2-4 बार 1 चम्मच शहद को पानी में मिलाकर पीना चाहिए, इससे रक्तचाप नियंत्रण में रहता है। नंबर 2, 1 गिलास पानी में 1 नींबू निचोड़कर सुबह खाली पेट पीने से आँखों की रोशनी ठीक रहती है। नंबर 3, धूप से जली त्वचा पर निखार के लिए नारियल पानी, कच्चा दूध, खीरे और नींबू का रस, चंदन पाउडर मिलाकर नहाने से पहले शरीर पर लगाएं। नंबर 4, पका केला मैश कर चेहरे पर लगाएं, आधा घंटे बाद ठंडे पानी से धो लें। नंबर 5, चेचक या फुंसियों के दाग हटाने के लिए 2 पिसे बादाम, 2 चम्मच दूध और संतरे के छिलके का 1 चम्मच पेस्ट मिलाकर मलें। नंबर 6, आप रोज़ाना होठों पर चुकंदर का रस लगाएं और आधे घंटे बाद होठ ठंडे पानी से धो लें, साफ़ कर लें, तो बहुत ही अच्छे हैं ये फेस के लिए, जो भी हैं ये सौंदर्य से लेकर। नंबर 7, रूखे बालों के लिए कोई मृदु और एक्स्ट्रा प्रोटीन युक्त शैम्पू इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 8, बालों को झड़ने से रोकने और घना बनाने के लिए नीम के पत्तों का इस्तेमाल करें। तो फ्रेंड्स, ये बालों के लिए जो टिप्स है बहुत ही यूजफुल है। नंबर 9, नहाते समय बेहतर एंटी बैक्टीरियल साबुन का इस्तेमाल करें। तो ये सारे ही टिप्स बहुत ही यूजफुल हैं, ध्यान से सुने फ्रेंड्स और फॉलो करें। नंबर 10, गीले बालों में कंघी भूलकर भी न करें और बालों को सुलझाने के लिए मोटे दांतों वाली कंघी का इस्तेमाल करें। नंबर 11, बाहर जाने से पहले सनस्क्रीन जरूर लगाएं। नीम पेक में गुलाब जल मिलाकर चेहरे पर लगाएं, सूखने पर धो लें। नंबर 12, सप्ताह में कम से कम 2 बार शरीर की मालिश करवाएं, यह रक्त संचार बढ़ाता है और शरीर में स्फूर्ति लाता है। नंबर 13, चीनी का कम सेवन, बच्चों को कोल्ड ड्रिंक्स और एनर्जी ड्रिंक्स न पीने की आदत सिखाएं, क्योंकि इससे उनके दांत खराब हो सकते हैं। इससे बच्चों की स्वीट टूथ डेवलप हो सकता है, जिससे डायबिटीज़ और दांतों की सड़न जैसी बीमारियां हो सकती हैं। नंबर 14, ओवर डाइट से रोकें, माता पिता अच्छे पोषण के लिए कई बार बच्चे को प्लेट का पूरा खाना खाने के बाद कहते हैं या इसमें ये डांटते भी हैं। ऐसे में डर से बच्चे पेट का पूरा खाना खाने के चक्कर में ओवर डाइट कर लेते हैं, जिससे पेट संबंधी समस्या और मोटापा हो सकता है। नंबर 15, 1 बार में अधिक न खाना, बच्चों को 1 दिन में 3 बार भरपेट खाना खाने की बजाय थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाने की आदत डालें। इससे खाने का पाचन अच्छे से होता है और बच्चों को अच्छे से भूख लगती है। इससे कई बीमारियों को दूर रखा जा सकता है, साथ ही इससे बच्चे का वजन भी नियंत्रण रहता है और शरीर का वजन स्वस्थ बना रहता है। नंबर 16, शारीरिक गतिविधियाँ, अपने बच्चों को अपने व्यस्त और सक्रिय रहने के लिए प्रेरित करें, उन्हें बाहर खेलने के लिए भेजें, क्योंकि दोस्तों के साथ खेलने से उनकी टीम वर्क और खेल का भावना और विकास होता है। आपके बच्चों को लिए टीवी कंप्यूटर कम से कम निर्धारित करना चाहिए। नंबर 17, अच्छे स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा है नियमित व्यायाम या योगा, कुछ समय के लिए निकलकर सुबह घूमने अवश्य जाएं, अपनी समस्याएं दूर होंगी। नंबर 18, हर उम्र की अपनी समस्याएं होती हैं, 40 वर्ष पश्चात नियमित जांच करवाएं ताकि बीमारियों को प्रारंभिक अवस्था में जाना ना सके। नंबर 19, नियमित खानपान सब्जी फल दूध दही का सेवन करें, यह केवल परिवारजनों के लिए नहीं स्वयं के लिए भी है। नंबर 20, उत्तर पूर्व दिशा में पूजा करें, उत्तर पूर्व दिशा में पूजा करने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, तनाव कम होता है, आंतरिक शांति प्राप्त होती है। अगर आप कोई जाप करते हैं तो इस दिशा की ओर मुख करके भी किया जा सकता है, ऐसा करना स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद होता है। नंबर 22, हल्के रंगों का इस्तेमाल करें, घर में हल्के रंगों का इस्तेमाल करने से सेहत अच्छी बनी रहती है। फर्नीचर, पर्दे, बेडशीट चुनाव करना चाहिए, घर में गहरे रंगों के इस्तेमाल से बचना चाहिए। नंबर 23, मुस्कुराते हुए फ़ोटो लगाएं पूरे परिवार में, अच्छे स्वास्थ्य के लिए घर के मुखिया पूरे परिवार का मुस्कुराते हुए फ़ोटो उत्तर पश्चिम दिशा में लगाएं, इससे परिवार के सदस्यों के बीच सकारात्मक बनी रहती है। 24, नंबर अपनी भावनाओं को शेयर करें, अभिव्यक्ति दें, हल्का व प्रसन्न महसूस होगा। 25, दिमाग को शांति व चित्त को प्रसन्न रखने का प्रयास करें। तो सारी ही टिप्स बहुत ही काम की हैं फ्रेंड्स, एक लाइक ज़रूर कर दें वीडियो को। 26, दिल को हमेशा सकारात्मक सोच व ऊर्जा प्रदर्शन प्रसन्नता से भरा रखें, तभी पूर्ण स्वच्छ हो रहेगा, दिमाग में व्यर्थ के नकारात्मक विचारों को न आने दें। 27, हर फल
हर पल स्वयं को मैं ठीक हूँ सब कह सकता हूँ अच्छा होगा संदेश देते रहें। 28 सबको ठीक होने पर भी स्वास्थ्य बिगड़ा है तो परेशान ना हो उदास, उसी के बारे में सचेत रहने से अच्छा है कि उसे जीवन का एक पड़ाव हिस्सा मान सहजता से स्वीकारें। 29 पौधे न केवल घर के अंदर ये वातावरण को शुद्ध करते हैं बल्कि आपके मानसिक स्वास्थ्य में भी सुधार करते हैं। परिवेश को तरोताज़ा करने और आपके होश को तुरंत शांत लाने के लिए जाने जाते हैं। 30 पानी स्वास्थ्य का एक बड़ा स्रोत है, पानी की बर्बादी स्वास्थ्य और धन के मुद्दे पैदा कर सकती है। पक्षियों और आवारा पशुओं के लिए पानी का कटोरा रखना एक उत्कृष्ट वास्तु उपाय है और यह आपके स्वास्थ्य को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। तो यही थी मेरी आज की 30 टिप्स, कैसी लगी आपको? अगर कोई पढ़ने में मेरी एडिटिंग में गलती हो तो प्लीज़ माफ़ करना, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।